सिर्फ इतना है कि आपको 5 मिनट चाहिए और थोड़ा सा कपूर चाहिए और जलाने के लिए माचिस चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसको किसी भी कागज इत्यादि की ऐसी कुछ चीजें रखिएगा साथ में जिसमें थोड़ी आग भड़क सके, आग ज्यादा हो सके, कुछ लकड़ियां रख सकते हो इत्यादि, कोई भी ऐसी चीज जो जलने लायक हो उसके बीच में रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। खुले वातावरण में रखिएगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो थोड़ा धुआं इसका कड़वा हो सकता है और आंख नाक कान मुंह आपका सब लाल हो सकता है। तो भाई थोड़ा संभल के करना, क्योंकि ये जलाने का काम करता है और तुम्हारे शत्रु के साथ साथ कहीं तुमको भी ना जलाए, इसलिए खुले में करिएगा। अब आपको करना यह है कि 5 मिर्चों को एक एक करके अपने ऊपर से उतारना है 5-5 बार। 1 मिर्च को 5 बार उतारो सामने रखो, 1 मिर्च को 5 बार उतारो सामने रखो, और ऐसा 5 बार करने के बाद सबको एक के एक बिल्कुल सामने से रखिएगा, लाइन लगा करके रखिएगा, एक सामने फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे, ऐसे करके 5 के 5 रख दीजिएगा। और करना यह है 5 के 5 मिर्च उतारने के बाद आपको चाकू से 20 से उनको बिना हिलाए डुलाए हाथ से खूब टाइट पकड़ के काट देना है। हाथ बचा के सावधानी के साथ बहुत विधि विधान के साथ करना। काटते समय आपको शत्रुहंतायै नमः बोलना है। क्या बोलना है? ओम शत्रुहंतायै नमः, ऐसा करके खींच देना चाकू और वो मिर्च कट जाए, थोड़ा टाइट खींचेगा। मन में संभव हो सके तो उसका नाम ले लेना, नहीं भी लेते तब भी, क्योंकि ये प्रयोग ही उसी चीज के लिए है, तो तुम नहीं भी नाम ले पाओगे तो कोई आफत नहीं है, पर ले सकते हो, इट्स गुड फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद इस पे चारों तरफ से कपूर जला करके खूब बढ़िया से जला देना, राख हो जाने देना, इतना अच्छे से कपूर डालना, कंजूसी मत करना, 2-4-5 रुपए अधिक खर्च हो जाए तो समस्या नहीं है। ये काम तुम मंगलवार और रविवार ही कर सकते हो, केवल मंगलवार रविवार कई एक बार भी कर लोगे तो क्या आफत है, इससे तुम्हारे ऊपर की अलाय बलाय भी समाप्त होगी।